वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो अनुमानित कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा जो वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इसका एग्ज़ाम करवाया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने, और इसका एग्ज़ाम हुआ था 9 जुलाई को का एग्जाम हुआ था, ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन आए थे 160 क्वेश्चन थे, और जो 160 क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन थे टोटल 200 नंबर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप पर क्वेश्चन अगर मार्क्स देखना चाहते हो तो जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो है 1.25 मार्क्स, यानी 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी थी अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है और 3 क्वेश्चन गलत किए हैं आपका नंबर 0 मिलेगा, ठीक है। यानी 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग थी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, और ये जो हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं याद रखना वो 2 गुना स्टूडेंट के लिए है। 5000 वैकेंसी है तो हम 10000 की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम बिल्कुल सटीक कट ऑफ की बात करेंगे कि कितनी रह सकती है, और इसके आसपास आप नंबर है तो आप सेफ हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफिक हो सकते हो, ठीक है। देखो हमारे सामने ये है कट ऑफ का क्राइटेरिया, ठीक है। जो पहले बात कर रहे हैं हम नॉन टीएसपी रहेगी, नॉन टीएसपी में कट ऑफ क्या रह सकती है वो वाली बात कर रहे हैं। आपको पता है ये जो मार्क्स हुए हैं मैं बता रहा हूँ आपको वो 200 में से आएंगे, ठीक है। 200 में से अगर आपके इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हो। पहला देख रहे हैं हम अनरिजर्व यानी जिसको हम बोलते हैं जनरल कैटेगरी। इस जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल तो दोनों के जो अनुमानित कट ऑफ है वो है 130 से लेके 140 तक रह सकती है, ठीक है ना। 130 से 140 इस गैप के अंदर अनुमानित कट ऑफ है वो रह सकती है। प्लस माइनस 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की मेल और फीमेल दोनों के लिए, याद रखना ये नॉन टीएसपी के लिए है, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं ओबीसी की, ओबीसी यानी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर की बात कर रहे हैं हम, और ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर की जो कट ऑफ है 2 गुना विद्यार्थियों के लिए मेल फीमेल की वो 125 से 129 के आसपास रहने की संभावना है, फिर भी आप प्लस माइनस मार्क्स कर सकते हो। उसके बाद में हम देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन है उनकी जो कट ऑफ है मेल फीमेल की 122 से 126 के आसपास रहने की उम्मीद है, अभी प्लस माइनस 3 मार्क्स हो सकते हैं लेकिन अनुमान है इसके आसपास रहेगी। उसके बाद में आता है हमारे पास एमबीसी, एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 123 से 128 के आसपास रहने की उम्मीद है, ठीक है। 123 से 128 के आसपास रहने की उम्मीद है। और उसके बाद में नॉन टीएसपी में एसटीएससी कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है वो 110 से 115 के बीच रहने वाली है, ठीक है। और इसमें भी इनके प्लस माइनस 2-3 मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर आप अनुमान लगा सकते हो कि जो कट ऑफ है ये इस क्राइटेरिया के आसपास रहने वाली है, ठीक है। जनरल की 130 से 40, ओबीसी की 125 से 29 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 122 से 126, एमबीसी की 123 से 128, और जो हमारा एसटीएससी कैटेगरी है उसमें 110 से 115 के बीच में रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये जो मैंने मार्क्स बताए याद रखना वो 200 में से मार्क्स है, अगर 200 में से आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हो, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम नॉन टीएसपी, ठीक है। पेपर सेम ही था, दोनों के सेम ही दिन एग्जाम हुआ था, 200 मार्क्स के टोटल पेपर था, उसमें से कितने मार्क्स के बेसिस पर हम कर रहे हैं। अगर आपके टीएसपी एरिया में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो यानी अनरिजर्व कैटेगरी से हो मेल फीमेल दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, तो आपके जो कट ऑफ मार्क्स है वो 110 से 118 के आसपास रहने की उम्मीद है, ठीक है। 110 से 118, इसमें भी प्लस माइनस आप 5 कर सकते हो, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इस रेंज में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। उसके बाद में जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है वो है एसटी, मेल फीमेल दोनों की, इसमें जो कट ऑफ है वो 85 से 90 के आसपास रहने वाली है, याद रखना है जो 40 से 45% के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है टीएसपी में एसटी की, ठीक है। और फीमेल तो शायद इस एरिया में फीमेल तो मिलेगी भी नहीं है ना, बहुत कम, पिछली बार भी फीमेल का सिलेक्शन नहीं हुआ था, अगर होता है तो कट ऑफ इस कैटेगरी में होती है, ठीक है। अगला जो एससी कैटेगरी है, याद रखना एससी कैटेगरी की सीटें बहुत कम होती है, टीएसपी में 5% सीटें ही हैं, ठीक है। तो इनकी जो कट ऑफ है वो एसटी से तो ज़्यादा रहेगी, 90 से 95 के आसपास, या इसमें भी कुछ प्लस माइनस हो सकता है, इसके आसपास रहने की उम्मीद है, ठीक है। 45% के
ऊपर इसकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ठीक है। और जो जनरल की जो कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है, उसमें 110 मीन्स आप अनुमान लगा सकते हो 55% के आसपास उसकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो ये एक हमारा मोटा मोटा सा अनुमान था जो हमारा वीडियो का एग्जाम हुआ था 9 जुलाई को उसकी कट ऑफ के बारे में, ठीक है। हमने डिटेल से बताया कितनी क्या उम्मीद है कट ऑफ रहने की। थैंक यू सो मच।